हाय एवरीवन कैसे हो आप लोग आप सबका स्वागत है चक्रवीत साइंस एकेडमी में आज मैं लेके आया हूँ एस एन वन के बाद एस एन टू रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म और वो रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात करने के लिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहे आप जेई लिख रहे हो नीट लिख रहे हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग या मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो सब में आपके लिए काम आने वाला है तो लास्ट तक बने रहिए और इसको फॉलो कीजिए जैसे आपने एस एन वन रिएक्शन को फॉलो किया है और अगर आपने एस एन वन रिएक्शन नहीं देखा है तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से एस एन वन को देख सकते हैं तो चलिए बात करते हैं एस एन टू रिएक्शन के बारे में तो एस एन टू रिएक्शन में सबसे पहले हमें यह जानना है कि एस एन वन में टू स्टेप रिएक्शन था यह सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है मीनस एस एन वन में हमने देखा था कि पहले स्टेप में कार्केट बनता है फिर दूसरे स्टेप में जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसमें क्या है जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और पुराना न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा वो एक साथ होगा ठीक है तो इसीलिए ये सिंगल स्टेप होता है दूसरा एस एन वन में हमने कार्केटाइन इंटरमीडिएट बनाया था इसमें देयर इज नो no कार्केटाइन इंटरमीडिएट तीसरा बात करते हैं हम कि इसको एसेंट टू क्यों बोलते हैं क्योंकि यह है बाई मॉलिक्यूलर टू का मतलब हो गया बाई बाइमोलिक्युलर यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा दूसरा उसको रिप्लेस करेगा ओके okay? और बायमोलिकुलर का क्या मतलब हुआ बाई मॉलिक्यूलर का मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हेलाइट पे भी और इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी हमने देखा था एस वन में सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हलाइट पे डिपेंड करता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे वो इंडिपेंडेंट था बट एस रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा तो वन प्लस वन टू बाय मोलिक्यूलर और अब बात करते हैं रिएक्शन uh, uh, का रेट जो है वो डिटरमाइन कैसे होगा तो so रिमेंबर इस पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। इस स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब हुआ जितना बड़ा ग्रुप होगा जितना बल्कि होगा द न्यूक्फाइल का अटैक करना उतना मुश्किल होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा सो हिंड्रेंस मीन बल्कि ग्रुप इसका मतलब है अगर अल्काहिलाइट बल्कि होगा जैसा कि थ्री डिग्री होता है ओके तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा तो अब इस रिएक्शन को बताने के लिए मैं यूज करूंगा वन डिग्री अल्कोहल क्योंकि वो लीस्ट बल्कि होता है और जैसा ही मैंने बताया था एस एन वन रिएक्शन में कार्केटाइन इंटरमीडिएट होता है तो वहां पे हमने लिया था कार्पेटाइन हमें पता है कि थ्री डिग्री कार्पेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो तो यहां पर हम जो है एग्जाम्पल लेंगे तो वन डिग्री अल्कै लेते हैं और उसके बाद जो है हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए जो कि कॉमन होता है दोनों एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन में और वो है बोथ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर मतलब कि अगर एक्सोथर्मिक होता है इसका मतलब यह हुआ कि जो हीट है वो रिलीज होगा तो डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव, एंड दैट इज वाई रिएक्शन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ली शटेलियर्स अकॉर्डिंग टू ली शटलियर्स रिएक्शन इज फेवर्ड एट रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर क्योंकि एक्सोथर्मिक है सो बोथ एस एन वन एंड एस एन टू रियक्शन बिकॉज दे आर एक्सोथर्मिक नाउ अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में तो लेट्स टॉक अबाउट द रियक्शन मैकेनिज्म में हम सबसे पहले हमने देखा है कि बल्किनेस रिएक्शन स्लो हो जाता है तो वी वेक वन डिग्री अल्का लाइट तो बेस्ट एग्जाम्पल इज वी कैन टेक मैं यहाँ पे ले ले रहा एक्स यहां पर हेलोजन और उसके बाद दिस इज वन डिग्री अल्का लाइट एंड जस्ट टू रिप्रेजेंट वन डिग्री लाइट आई टेक वेज एंड डैश फॉर्म ठीक है वेज का मतलब हो गया यू कैन कंसिडर इट एज नो फेसिंग टूवर्ड्स के बाहर और डैश uh, इस बोर्ड के अंदर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेज और इसको बोलते हैं डैश इसका मतलब कुछ नहीं है जस्ट एक थ्री डी में बताना चाह रहे हैं कि एक तो ऊपर है बॉन्ड हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड जो है वो वेज जो है वो आपकी तरफ है और डैश जो है वो पे मैं, आपके ऑपोजिट बोर्ड के अंदर है एक बोर्ड के बाहर है ओके okay? और ये रहा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो ये हमारा है. अब क्या होगा हाँ सॉल्वेंट तो यूज किया था प्रोटिक का नेचर था लाइक वाटर अल्कोहल और यू नो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसमें हम यूज करेंगे पोलर ए प्रोटिक और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम यूज करेंगे तो हम यहां पे ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एच को ओके okay, और के ओ एच भी होना चाहिए एक्वस तो एक्वस के ओएच आप ले सकते हो उसमें SN2 reaction देगा, और जो सॉल्वेंट यूज होगा सॉल्वेंट यहां पे मस्ट है इट शुड बी ऑफ पोलर बट नॉट प्रोटिक इट शुड बी ए प्रोटिक ए प्रोटिक नेचर के सॉल्वेंट को लेंगे पोलर ए प्रोटिक पोलर का मतलब आपको पता है पोलर में क्या होगा ये जो बॉन्ड है ये सी एक्स बॉन्ड ये क्लीव होगा ड्यू टू पोलर ए प्रोटिक में हम देखे थे कि एस एन वन रियक्शन में जब वो पोलर प्रोटिक था तो वो बॉन्ड को ब्रेक भी कर रहा था और उस जो न्यूक्लियोफाइल जो रिमूव हो गया है ताकि वो रिबाउंड करके वापस से अटैच ना हो उसको पकड़ ले रहा था कैप्चर कर ले रहा था यहां पे वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एस एन वन में वीक न्यूक्लियोफाइल था तो यहां पे क्या होगा कि यहां बॉन्ड तो ब्रेक होगा बट उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है सो पोलर मीन्स ब्रेकिंग ऑफ इट विल क्लीव यू कैन से इट विल क्लीव क्लीव आर एक्स बॉन्ड बट इन ए प्रोटीक डू नॉट कैप्चर द रिमूव निब्लोफाइल डू नॉट कैप्चर द रिमूव न्यूक्लियोफाइल यहां पे न्यूक्लियोफाइल को कैप्चर नहीं करेगा अब बात करते हैं एग्जांपल्स क्या है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का तो यहां पे अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं एग्जांपल्स तो काफी एग्जांपल्स हैं पहला एसीटोन अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो डीएमएफ डीएमएफ डाइमिथाइल फॉर्ममाइड डाइमिथाइल मिथाइल फॉर्माइड उसके बाद एक और है डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड तो ये तीन जो एग्जाम्पल्स हैं वो पोलर ए प्रोटीन के हैं जो एस एन टू में यूज होता है बॉन्ड तो ब्रेक होगा बट कैप्चर नहीं करेगा रिमूव न्यूक्लोफाइल को जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक स्टेप में हो रहा है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल है तो एक बार में ही काम खत्म अब बात करते हैं कि रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा तो यहां पे एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है तो हम सबसे पहले उस इंटरमीडिएट स्टेज को बनाते हैं तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे ही रहेगा ये रहा हमारा वेज और ये रहा हमारा डैश अब यहां पे क्या होगा कि इधर से नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और यहां से पुराना वाला टूट रहा है तो जिसको मैं डॉटेड लाइन से बता रहा हूं क्योंकि दो चीज एक साथ हो रहा है तो नया न्यूक्लियोफाइल जो है यहां से न्यूक्लियोफाइल जो निकलेगा वो होगा हमारा ओ OH एच माइनस तो ओ एच OH यहाँ पे लग रहा है और यहां पे जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है वो टूट रहा है तो ऐसा देख के लगता है कि कार्बन के पास पांच पांच बॉन्ड है एक दो तीन चार पांच पर ऐसा है नहीं ये तीन तो है ही ये तीन बॉन्ड तो है पर ये एक ही बॉन्ड होगा यहां पे क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है ये एक तरफ से टूट रहा है एक तरफ से लग रहा है दो तो चीज एक साथ हो रहा है तो उसे हम दिखा रहे हैं तो इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट है ओके दिस इज ट्रांजिशन स्टेट ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है इट ओनली लिव्स फॉर टेन ये बस टेन इप फॉर माइनस सिक्स सेकेंड ओके माइक्रो सेकेंड्स की जितना होता है ये ओके इट्स वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड और एक और चीज हमने देखा था कि एस एन वन रियक्शन में अटैक जो है क्योंकि वो SP2 था, तो अब क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों हो रहा है रियर से अटैक सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि फ्रंट में हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को कैप्चर नहीं कर रहे हैं एस एन वन में हम पोलर प्रोटिक डाल के कैप्चर किए थे तो न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों आमने सामने अगर आ गए एक दूसरे के तो काफी एक्सट्रीम रिपल्शन होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी यहां पे अभी है और ये यहां से अगर सामने से आएगा तो दोनों में काफी अच्छा रिपल्शन होगा और रिपल्शन के चलते रिएक्शन ठीक से हो नहीं पाएगा तो द ओनली पॉसिबिलिटी इसको जो है वो रियर अटैक करना पड़ेगा ओके ओनली रियर अटैक इज पॉसिबल तो आप इसका एक नोट बना सकते हो कि एस एन टू में ओनली ओनली रियर अटैक इज पॉसिबल ओके okay, और जब सिर्फ रियर अटैक पॉसिबल है तो यानी रिटेंशन तो मिलेगा ही नहीं सो ओनली इनवर्जन इनवर्जन तो सिर्फ और सिर्फ ओनली इनवर्जन आइसोमर आइसोमर तो बात ही नहीं हुई अब इन्वर्जन ही आ रहा है सिर्फ सो ओनली इन्वर्जन इज पॉसिबल इसका मतलब है अगर रिटेंशन बन ही नहीं रहा तो चांस ऑफ रेसमिक मिक्सचर पॉसिबल ही नहीं है ना मैंने बताया था लास्ट वीडियो में फिफ्टी परसेंट इन्वर्जन अगर रहता है बोलते हैं तो यहां तो सिर्फ इन्वर्जन बन रहा है रिटेंशन बनेगा नहीं क्योंकि सिर्फ रियर से अटैक पॉसिबल है सामने से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि न्यूक् न्यूक्लिफाइल आमने सामने आ जाएगा और रिपल्शन काफी अच्छा होगा और अटैक पॉसिबल हो नहीं पाएगा अब बात करते हैं ट्रांसिट स्टेट जो शॉर्ट शॉर्टलिफ्ट है एक ही टाइम पे दो चीज हो रहा है अब बात करते हैं इसके बाद क्या होने वाला है तो फाइनली इसके बाद क्या होगा जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं दिखा देता हूं वहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन ये वेज और डैश वाले तो एज इट इज रहेंगे ठीक है यहां आ गया हमारा न्यू न्यूक्लोफाइल ओन न्यूक्लोफाइल निकल चुका है ओके मैं लिख देता हूं प्लस एक्स माइनस ये निकल गया और यहां ये रहा हाइड्रोजन

तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एस में सिर्फ इनवर्जन बनता है अब एक दिया हो तो, तो बल्कि ने इसके चलते वो प्रिफर करेगा एस एन टू बट टू डिग्री एस एन वन भी फॉर्म कर सकता है एस एन टू भी तो डिसाइड करें कैसे करेंगे तो याद रखिएगा मैं बता देता हूं इनकेस ऑफ इनकेस ऑफ टू डिग्री एलकाइट अगर टू डिग्री एल्कालाइट है तो एस एन वन या एस एन टू कैसे डिपेंड करेगा सो रिएक्शन विल डिपेंड ऑन एस एन रियाक्शन एस एन रियाक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट अगर सॉल्वेंट अगर दिया हुआ सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तब तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो टू डिग्री है वो एस एन वन प्रेफर करेगा और अगर सोलवेंटर ए प्रोटिक है तो वो प्रेफर करेगा एस एन टू प्रोटिक ए प्रोटिक आपको दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं एंड अपने आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और जिनको जरूरत है उनके साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और चक्रव्यूह के साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा अभी के लिए बाय बाय